कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का शनिवार को 10वां दिन था। किसान नेताओं के साथ सरकार दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक कर रही थी। 5वें दौर की बैठक के बाद भी सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी। अब सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार करने के लिए 4 दिन और मांग लिए हैं, यानी बैठक बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान किसान नेता 3 सवालों पर हाँ या ना में जवाब जानने के लिए अड़ गए। आप काफी लंबा समा गल कर दो बाद जो किसानों ने कहा भी इनू रद्द करो, सरकार ने कोई गल ना की, किसानों ने मौन धार लिया। मौन धारण तो बाद मंत्री चले गए राय करना। असीं उन्हां दे सामने ये लिख के सिद्धा बिल्कुल लिख के ला दिता, नहीं कोई नतीजा नहीं निकलिया। मीटिंग हुई है, जिन्ने घंटे लगे ने 2 बजे बैठे हैं, दो ते हुण मेरे ख्याल 7 बजने वाले होणगे, 5 घंटे हो गए, कोई सिट्टा नहीं निकलिया। सरकार बार बार चर्चा जा रही थी, असी चर्चा वाला काम उन्हां दी प्रपोजल रद्द करके आपकी सारी गल रख के असी उन्हां दा साइलेंट होकर बाइकाट किया। एक किस्म का उन्हां दी गल्लां सुनते रहे हैं, असी उन्हां नूं बोलने नहीं, मुड़ के जवाब नहीं दिता। असी ने प्रदर्शन किया उसे जय सर नो दा। आ देखो जय सर नो, सरकार नूं कहा भी जां कानून वापस लो जां जवाब दो। ये जवाब दे जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री सी उह उठ के चला गया। वो बाद आया है 15-20 मिनटों तो बाद आके उन्हें कहा भी मैनू समा चाहिए, मैं समा नाल आपदे मंत्री नाल राय करके सोमवार अगली मीटिंग दे विच आपां गल नूं गांह तोरां। देखो कोई संभावना नहीं है भी सिट्टा निकलेगा, गल अगे तुरेगी, इस बात की संभावना है। कहिंदा है उहदा कृषि मंत्री हर मीटिंग में बोलता है कि यहाँ से धरना उठा के ले जाओ, ऐसे थोड़े उठा। प्रदर्शन करेंगे, रोष करेंगे, संघर्ष करेंगे, एक्शन प्लान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपका 8 तारीख का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा? ये समझते हैं सरकार रद्द करने नूं सोच रही है, तो सानू ये गल तोड़ के नहीं जाना चाहिए। असी टेबल टॉक तो नहीं भजांगे, सरकार नूं ये मौका नहीं देना चाहते कि वह कहन कि ये जिहड़े आ टेबल टॉक तो भज रहे हैं। इस करके असी जी 9 तरीक वाली मीटिंग मन लिया तख्तियां, इस करके जो चाह के टाइम की टाइम होया तो सरकार जो मुड़ के आई है कि उस तो पहला असी मौन धार लिया, असी कुर्सियां पिछे करती, माइक नीचे कर दते, और जो दोबारा आए असी क्या हूँ बोलना नहीं, सिर्फ यस और नो लेनी है, तुसी कानून रद्द करोगे या नहीं। इस करके यस और नो दियां तख्तियां लिख के हाथ च फड़ लिया, असी क्या बोलेंगे नहीं। तो फिर सरकार ने गल कही कि असी चर्चा करांगे, ये रद्द करने वास्ते सानू अपनी सरकार च राज्यां च गल करने दा सानू टाइम दिओ। बिल्कुल कायम रहेगा, इसे करके वो मीटिंग पहले 7 ही रखते सी, फिर उन्होंने क्या 2 दिन बाद ले लो, फिर वो कहिंदे 8 दी रख लो, पर असी उन्होंने ये गल आखी कि 8 तरीक नूं साडा बंद है, जब असी आप बंद करके बैठे होंगे तो आप किवें आवांगे मीटिंग नूं, इस करके मीटिंग 9 दी कर लो। असी बड़ी जोरदार तरीके गल्लां रखियां ने, असी कहा भी इन्हां नूं रद्द करो, पर वो मन्ने नहीं रद्द करन लई, ते इसलिए असी फिर उन्होंने मौन धार लिया। मौन धारण पर जस नो दी उन्होंने गल की गई, पर किसी गलते नहीं आए, फिर कहते मीटिंग लै लो, असी 8 नूं कहने मीटिंग, असी 8 नूं साडा पूर्ण तौर पर बंद आ। फिर 9 तरीक की मीटिंग का फैसला होया, असी 9 नूं पूरी सलाह बना के आओ, असी रोज़ इस तरह बैठना नहीं, टाइम थोड़ा भी खराब होंदा, साडा भी टाइम खराब होंदा। 8 नूं भारत बंद करांगे, 8 नूं ही होर असी कोई बड़ा सद्दा देवांगे, संघर्ष नूं और तेज करांगे। पर मैं सरकार एडी अड़ी नहीं करनी चाहिए, देश का प्रधानमंत्री जी दुनिया वेख रही है इस टाइम, लोग भी बाहरों हमायत कर रहे हैं इस गल की, लेकिन प्रधानमंत्री सही फैसला लोगों के हक वास्ते करना चाहिए और लोगों की नब्ज पछाण के लोगों के हक च फैसला देना चाहिए। उधर बैठक के बाद सरकार कहने लगी कि हम हर गलतफहमी दूर करने को तैयार हैं, लेकिन किसान सुझाव दे देते तो अच्छा रहता। हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी, MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। APMC
एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई मीटिंग में 40 किसान नेता पहुंचे थे। बैठक के दौरान कई बार किसान तल्ख हो गए। जब 4 घंटे की बैठक हो गई तो आखिरी 1 घंटे में किसानों ने मौन साध लिया, मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए। उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे और हाँ या ना में जवाब मांगा। कहा सरकार बताए कि कृषि कानूनों को खत्म करेगी या नहीं, MSP को पूरे देश में जारी रखेगी या नहीं और नए बिजली कानून को बदलेगी या नहीं। के दौरान एक बार बात इतनी बिगड़ गई कि किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे नहीं तो हम मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे। किसानों ने सरकार से कहा कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं चाहते, इस कानून से सरकार को फायदा होगा किसानों को नहीं। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, हमारे पास 1 साल की व्यवस्था है, अगर सरकार यही चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। टेंशन हुआ, हमने अंदर मौन व्रत रख लिया और हम बोले नहीं, उन्होंने बार बार कुछ किया नहीं बोले हम। और उसके बाद जो है वो आए बात करके तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका एजेंडा है रद्द करवाना तो रद्द करने के लिए हम 1 दिन लेते थे, वो हमने 2 दिन दे दिए। 8 तारीख का बंद है, 8 तारीख को वो हमें प्रपोजल भेजेंगे और अभी एजेंडा फोकस हो गया एक ही चीज़ के ऊपर कि रद्द करने हैं या नहीं करने हैं। रद्द करने हैं हाँ या ना, रद्द के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। उन्होंने कहा कि हम आप बात करेंगे, सरकार आपकी गलती अड़ी हुई है, असि आपकी गलती जो कहना हो अड़े हुए हैं।
वो जो डेडलॉक होया असी बोलना भी बंद करया रोस वजो तो हूँ सरकार ने कहा जोड़े मंत्री सी कि मैं कला कोई फैसला करने की हालत ही नहीं असी दोबारे विचारा जोड़े असं फैसले करा वोदियाँ लिखता सूँ देवे तुम अगली मीटिंग उन्होंने सोच विचार के आओ वो मीटिंग सत्त न होंगी या नौ होंगी है असं उस मीटिंग शामिल होवे सरकार जो लंबा कर रही है उन्होंने कोशिश लगती है भी ये कोई बंदे बढ़ के गड़बड़ करा देंगे होर करा देंगे किसी को पाड़ लाँगे असी सरकार जो मर्जी कोशिशा करे इतों पहला बथेरिया उन्हें कीतियां वो कामयाब हो ही नहीं नागाह होगी सरकार को दो ही राह है जे मंगा मान ले जी ताकत वरत ले असी ये बावजूद कहने जो सरकार ताकत भी वरतू ये बावजूद उन्होंने मंगा मननी पैनी असं चाहते नहीं जिन्हें मर्जी मार दे जिन्होंने मर्जी कुट दे संशोधन वेले कोई साड़ी सहमति नहीं ये जो कानून है असं समझ खेती उजाड़ते साढ़े मौत के ब्रंट है वो सोधा का की मामला जिन्हों असी मौत के ब्रंट समझते हाँ असं उन्होंने खारिज करवाना चाहते खत्म करवाना चाहते हैं अगर सरकार लोकतांत्रिक है हमारी बाजे मांगे जायज हैं तो सरकार को मानना पड़ेगा इसके लिए सरकार तैयार नहीं थी सरकार ने कहा कि आपकी मांगे अन्य मंत्रालयों से संबंधित भी है उनके साथ हमारी चर्चा नहीं हो पाई है अन्य मंत्रियों से और ऊपर के नेताओं से भी हमको चर्चा करना पड़ेगी और चर्चा के बाद हम लोग 9 तारीख को बैठते हैं और 9 तारीख को बैठकर फिर निर्णय करेंगे हमको पूरी आशा है कि डायलॉग से हल निकलता है सरकार का ये कहना है और हमारा कहना भी ये है कि सारे बदलाव जब हो गए तो बचेगा क्या वो और जब वो बचेगा नहीं तो उसको आप ख़त्म करिए क्यों आप उसको इशू बनाए हुए हैं हमारा कहना ये कारणों जितना कोई बच्चा बच्चा होना होता वा ये लाजमी तौर पर साड़ी जित होगी जिहड़ी मीटिंग आ वो जैसनो वाली है साड़ी 9 तरीक नू असी तो 9 तरीक मनी हाँ भी 8 तरीक नू प्रैशर होगा लोग बहुत आ जाएंगे असी कह रहे हैं सारे देश में जड़िया एडजॉइनिंग स्टेट्स आ जितना अभी पंजाब नू बिलोंग करदा असी अपनी ऑर्गेनाइजेशन सारे वालों कह रहे हैं हर फार्म फैमिली चो एक आदमी आवे 17 लाख फार्म फैमिलीज ने जे अद्धे भी आ गए असी ये दिल्ली का चार चपेरा जरा जदों जरा प्रैशर है ना जरा तुम समझते भी खुनी भन तोड़ हो जाए ज कुछ ऐसा हो जाए ऐसा नहीं होएगा ये जो लोगों का हड़ है ना जरा उ मंगा मना मास प्रैशर इज द ओनली सल्यूशन टू एक्सैप्ट द डिमांड यही मना के रवानी करीब 5 घंटे की बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने MSP और APMC पर पिछली बैठक में कई बातें दोहराई। कृषि मंत्री ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था जारी रहेगी, इस पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है। फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, MSP बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धा की ओर बढ़ सकें, इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो एक साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। ये तो आप सरकार बात मानेगी आपकी? क्यों नहीं मानेगी सरकार? सरकार किसानों की है, सरकार देशवासियों की है, सरकार कोई ऊपर से नहीं आती, सरकार पब्लिक की है, सरकार जनता की है, तो सरकार जनता की बात क्यों नहीं मानेगी? MSP तो मानने के लिए आप लोग तैयार हैं? सब कई जो दो एजेंडे सब क्या सब बात कानून वापस होंगे कानून की बात क्यों करते हो? किसान कह रहे हैं जो किसानों के हित में होगा वो होगा कानून वापस क्या आपको क्यों इसलिए बात कर रहे हो? जिससे किसान का भला होगा, जिससे किसान खुश होगा वही काम होगा।
भारतीय लोकतांत्रिक।